नमस्कार दोस्तों, संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकादशी पूजा कैसे होता है, पहले क्या क्या उसमें चढ़ाया जाता है, तो आप लोग को आज यहाँ पर बताएंगे। पहले यहाँ सारी विधि उसकी हम समझाएंगे भी यहाँ पर। तो चलिए हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमारे बने रहिए आप लोग, आप वीडियो शुरू से लास्ट जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि इस तरह से हमने मंदिर टाइप में चौके बना लिए हैं, यहाँ पे रख लिए हैं। तो आज के दिन जैसे रहता है, एक गन्ना देख रहे हैं आप, तो लाल वाला गन्ना है, एक खेत में से गन्ना आया है वो भी यहाँ पर है, देखिए। तो खेत में का गन्ना आज के दिन हम लोग को चढ़ाया जाता है। तो बहुत काफ़ी धूप हो गया, छत पर आए हैं तो चढ़ाया जाता है। पहले तो पहले ब्रह्म जी का पूजा किया जाता है, साची पाप पूजा ब्रह्म जी के कर लिए हैं। तो एक गन्ना जैसे लड़की लोग नहीं चूसती हैं, औरत लोग जैसे घर की जो बहू रहती है वो चूसते हैं, लड़के लोग चूसते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने गन्ने को रख लिए हैं। उसके बाद देखिए आज के दिन रहता है गंजी आता है हम लोग के घर में, यहाँ पे सिंघाड़ा भी उबले किया जाता है, नया भेली जो रहता है तो हम लोग को आप लोग गुड़ बोलते हैं, इसको हम लोग भेली बोलते हैं, ये भी आ गया। यहाँ पे देखिए पपीते के हलवा बनाए हैं, यहाँ पे हमने दही लिए हैं। ये सारी चीज़ को लेनी है तो पहले सबसे पहले हम दीप को जला ले रहे हैं। तो दीप को यहाँ पे जला ले रहे हैं। तो जैसे देखा जाता पूर्व में बन रहा है कि पश्चिम में बन रहा है, उसी में पूजा किया जाता है। ये पूजा पूर्व में बन रहा था। तो यहाँ पे सही प्रसाद को हमने रख लिए हैं। तो पूजा को हम इसी तरह से कर ले रहे हैं, पांच बार इसको उछ ले रहे हैं सही प्रसाद को। अब इसी तरह से गन्ने को भी हम टेक लेंगे। यहाँ पे सभी पूजा हमने कर लिए हैं। तो अब पूजा करने के बाद से यहाँ पे अगरबत्ती को भी दिखा देंगे इसी तरह से। अरे यहाँ पे गन्ना का बहुत महत्व रखता है, गन्ना सभी लोग के घर में चढ़ाया जाता है। ये जो चढ़ाया जाता है इसको ब्राह्मण को दिया जाता है चढ़ाया हुआ प्रसाद। ये जो प्रसाद है सभी लोग खा सकते हैं। तो वो जैसे देखते हैं कि कल के जैसे रहता है कि पारण रहता है जब, तो उसके दिन जैसे रहता है सरसों के तेल में सब्जियां नहीं बनाया जाता है, चावल को एकदम नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन भर चावल नहीं खाना चाहिए, ना शाम को चावल खाया जाता है उसमें। फिर जिस दिन रहता है उस दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए, उसके दूसरे दिन भी पारण के दिन भी एकादशी के चावल नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं कि जिस दिन व्रत रखा जाता है, व्रत के दिन जैसे देखते हैं कि नमक नहीं खाता है, ये व्रत में जैसे नमक बिल्कुल नहीं खाता है, तो कितने लोग व्रत को निराजल रहते हैं, कितने लोग फरारी रहते हैं व्रत को। तो सभी लोग व्रत के साल भर में एक बार एकादशी वाला पड़ता है, तो इस एकादशी को बहुत बड़ा एकादशी माना जाता है। कितने लोग देखते हैं नहाने भी जाते हैं, आज के दिन जो रहता है तो बहुत दान पुण्य करते हैं ब्राह्मण लोग को। तो आज के दिन ब्राह्मण लोग को जितना दान पुण्य सब लोग करते हैं बहुत ज़्यादा फलित रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमारा हो चुका है प्रसाद, हमारा पूजा हो गया। ये छोटा सा पूजा था तो साची पाव पहले पूजा कर लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर करके आप लोग को दिखाएँ पूजा को। यहाँ पर हमारा हो चुका है, तो पाँच छः दो तीन मिनट का वीडियो हम सोचिए हो जाएगा, पहले तो आप लोग के बीच में इसकी हम वीडियो शेयर कर देंगे। तो चलिए देखिए भैया शाम को छूटता है कि नहीं छूटता है। तो आज जैसे देख रहे हैं कि सोमवार है, तो सोमवार को अच्छा दिन कोई रहता है तभी हम लोग को गन्ना खाया जाता है। पहले तो गन्ना के दिन हम लोग को दिखाया जाता है, बृहस्पतिवार पड़ता है, सोमवार पड़ता है, जिसके घर मान नहीं रहता है
मान भी इसमें लिया जाता है कि मान रहेगा तो उस दिन हम गन्ना नहीं चूसेंगे, न भेली खाएंगे हम, न कोई नया चीज खाएंगे। तो आज के दिन से हम लोग को सोमवार रहता है, जिसके घर मान नहीं रहता है तो सब लोग भेली जैसे रहता है और गन्ने को खाते हैं। तो चलिए वीडियो हमारा यहीं पर था, इतना छोटा वीडियो था आज का। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।